पिछले वीडियो में मैंने बातें की थी सन के बेसिक कंपोनेंट्स और एनर्जी सोर्स ऑफ लाइफ की। हमने ये जाना था कि बिना वर्क मैकेनिज्म के नोट एनी प्लैनेट इज कैपेबल टू सस्टेन देयर लाइफ इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। और हमने ये भी जाना था कि नासा के एक साइंटिस्ट कम्युनिटी वाले ग्रुप ने 2018 में सन के फ्रिक्वेंसी को मापा था। पिछले वीडियो में मैंने एक गलती कर दी थी और वो थी कि मैंने आपको ये बताया था कि सन की फ्रिक्वेंसी 432 हर्ज के बराबर होती, मगर ऐसा नहीं, सन की फ्रिक्वेंसी 0.003 हर्ज के बराबर होती। तो आज के इस एपिसोड में हम बातें करेंगे इसकी आगे की कहानी। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फेयर कॉस्मोस और स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल पे। सो लेट्स बिगिन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बेसिक नॉलेज तो दे ही दी थी, विच इज म्यू इज इक्वल टू 1/T और इज इक्वल टू सी बाई लैमडा, वेयर टी इज द टाइम पीरियड, लैमडा इज द वेवलेंथ, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन फ्रीक्वेंसी को समझने में आपको वो फील नहीं आई थी, राइट? तो चलो इसका फील लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है उससे पहले ये जान लो कि SHM क्या होता है। बिना SHM को आपको वो फील ही नहीं आएगा। SHM इज इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन, इट्स अ सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन यानी कंपन, एक ऐसा कंपन जो रिपीटेड वेरिएशन में मूव करे, और आसान भाषा में कहें तो टू और फ्रो मोशन करे, आगे पीछे आगे पीछे। इसका सबसे ईजी एग्जाम्पल है एक स्प्रिंग। एक स्प्रिंग का स्ट्रक्चर एक स्पाइरल एंड सिलेंड्रिकल में होता है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल में ये समान होता है। होता क्या है ना कि जब हम बाहर से उस पर कोई फोर्स लगा के उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे ही वो एनर्जी एक स्पाइरल के पास पहुंचता है तो वो अपनी एनर्जी को आगे बढ़ा देता है, मतलब ट्रांसमिट कर देता है। इसी प्रकार जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो हम ये कहते हैं कि इसकी एक फ्रिक्वेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखो यार, इसे मैं आपको ग्राफ के रूप में समझाता हूँ, y=sin x ग्राफ से। तो देखो कुछ इस प्रकार दिखता है ये ग्राफ। तो देखो इसका ऑसिलेटरी पीरियड 2π है। अगर हम पॉजिटिव की ओर चलते हैं तो देखो ये 0 से स्टार्ट होता है और 2π पे जाकर दोबारा रीस्टार्ट होता है। यानी सबसे पहले 0 से 2π, फिर 2π से 4π, 4π से 6π एंड सो ऑन। और ठीक यही पीरियड नेगेटिव में भी रिपीट होता है। पहले 0 से -2π, फिर -2π से -4π, फिर -4π से 6π एंड सो ऑन। और इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है, यानी कि ये पॉजिटिव की ओर बढ़ता जाए ही चला जाएगा और नेगेटिव में भी बढ़ता चला जाएगा। और देखो यानी इससे तुम ये समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा एनर्जी तुम प्रोवाइड करवाओ उतना ही ज़्यादा वो ऑसिलेट करेगा। और हाँ, इसका रेंज -1 और 1 के बीच में आता है, बिग ब्रैकेट क्लोज। और इसका एफ मैक्स यानी कि मैक्सिमम फंक्शन जो कि 1 होता है, और इसका एफ मिनिमम फंक्शन जो कि होता है -1। इसे तुम किसी वेव की एम्पलीट्यूड और वेव नंबर के बारे में समझ सकते हो। तो देखो एफ मैक्स को क्रस्ट के रूप में देखो और एफ मिनिमम को ट्रफ के रूप में देखो। और एम्पलीट्यूड का मतलब यही होता है, एम्पलीट्यूड इज नोन एज इट इज़ द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। तो चलो वापस चलते हैं SHM पे। देखो ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक एक्सेप्ट इन विच एनर्जी इज लॉस्ट। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि अरे फ्लेयर कॉस्मोस, तो कब से ऑसिलेशन किए जा रहा है, इसका कोई मैथमेटिकल इक्वेशन भी तो होगा ना। ठीक है यार, बताता हूँ। तो भाई और उनकी बहनों सुनिए ध्यान से। इट्स इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, एफ इज इक्वल टू के एक्स, वेन एक्स इज पॉजिटिव देन एफ इज इक्वल नेगेटिव, एंड एफ इज पॉजिटिव देन एक्स इज नेगेटिव। दे आर द टू डिफरेंट केसेस। सो बेसिकली वी कंसिडर इट एज एफ इज इक्वल टू -KS। इट इज अ सिंपलेस्ट केस वेयर एफ इज द फोर्स एंड के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज द पोजिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और हाँ, एक और खास बात, ऑल SHM आर ऑसिलेटरी मोशन, बट ऑल ऑसिलेटरी आर नॉट SHM। तो मेरे ख्याल से आपको SHM के बारे में और फ्रिक्वेंसी के बारे में फील आ गया होगा। तो देखो ये बता दिया मैंने कि सन की फ्रिक्वेंसी 0.003 हर्ज होती है और यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी 432 हर्ज के बराबर होती है। तो आप सभी को ये पता ही होगा कि ये अनंत ब्रह्मांड बस एक फ्रिक्वेंसी से बना हुआ है और लगभग इसका 98% मैटर उस वाइब्रेशन से बना है जो हमें पता नहीं है, और बचा हुआ 2% उस वाइब्रेशन से बना है जो हमें पता है, वाकई में पता है। और हाँ, ओम की जो ध्वनि भी है ना, फ्रिक्वेंसी 432 हर्ज का है। और मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि कैसे आप इस वाइब्रेशनल एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो इसका लाभ प्राप्त कैसे कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, फोटोनिक एनर्जी ऑफ सन रेस को मैं अगले एपिसोड में कवर करूँगा।
तब तक के लिए भाई लोग वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप लोग शेयर नहीं करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो, ऐसा नहीं चलेगा। सो प्लीज़ डू इट। तब के लिए जय श्री राम।